हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चंडीगढ़ ALM का कट ऑफ यहाँ पर मैं प्रिपरेशन किया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर असिस्टेंट लाइनमैन जो पोस्ट यहाँ पर दिया गया था चंडीगढ़ 2023 का, उसी का ही यहाँ पर मैं आप लोग को आज कट ऑफ, जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है उसका मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कुछ छोटा मोटा जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था वो 9-1 से लेकर 31-1 के बीच में हुआ था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है कि आप लोग का कितना वैकेंसी था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 53 वैकेंसी था, जहाँ में से टोटल 15 वैकेंसी जो कि एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो कि UR के लिए सबसे ज़्यादा 25 वैकेंसी दिया गया था। उसके बाद OBC में यहाँ पर 14 वैकेंसी, SC में 9 और EWS में 5। उससे एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पर UR में जो कि है 25 वैकेंसी जो कि सबसे ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर तो UR कैंडिडेट तो अप्लाई करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बाकी जो कैटेगरी होता है ये सब भी यहाँ पर जो एज ए UR जो है अप्लाई कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा, UR में यहाँ पर जो है आप लोगों का कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है। बाकी की तुलना में यहाँ पर जो UR का कट ऑफ वैसे भी ज़्यादा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर जो ज़्यादा जाने, क्योंकि यहाँ पर जो UR में वैकेंसी सबसे ज़्यादा दिया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लेवल की, तो लेवल यहाँ पर मॉडरेट था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। तो यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब यहाँ पर सभी कैंडिडेट 100 में से 100 यहाँ पर जो अटेम्प्ट करके आएगा, जिसका टाइम भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा ही दिया गया है। तो यहाँ पर SSC की तुलना में यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए टाइम जो है ज़्यादा ही दिया गया, क्योंकि 2 घंटा आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। टोटल मार्क्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो 100 मार्क्स यहाँ पर आप लोगों का था। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट ने मैसेज करके बहुत सारा यहाँ पर जो नंबर स्कोर उन लोगों का जो भी आंसर की देखने के बाद आया है, तो उन सबका यहाँ पर जो सबका 80, किसी का 75 ऐसा यहाँ पर जो आप लोग का जो है आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर, अगर आप लोग नहीं जानते कि आंसर की यहाँ पर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके अपना जो आंसर की है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो एज ए यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है ये यहाँ पर सेफ स्कोर हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं 100% तो राइट भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अगर आप लोग 70 के ऊपर अगर आप लोग स्कोर लेके आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में सभी अगर 80 करके यहाँ पर मार्क्स लाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई चला ही जाएगा। तो यहाँ पर UR का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 68 से 78 के बीच में आप लोग के यहाँ पर जो है कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद EWS की बात करें तो 63 से 70, EWS भी यहाँ पर जो सबसे कम यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया था। उसके बाद OBC की बात करें तो 66 से लेकर 72 के बीच में आप लोग का कट ऑफ रह सकते हैं। उसके बाद SC की बात करें तो 64 से लेकर 72 के बीच में, अगर आप लोग 70 के आसपास यहाँ पर जो है मार्क्स लेके आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का सेफ स्कोर भी माना जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को 100% गारंटी नहीं दे सकता कि 70 के ऊपर ही आप लोग लाएंगे तो यहाँ पर आप लोग सेफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर जो 80 करके यहाँ पर जो मार्क्स बताया अपना आंसर की देखने के बाद। तो अगर 80 करके मार्क्स आप लोग का सभी का आता है, तो यहाँ पर 70 में कैसे सेफ स्कोर होगा, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।